डेट्रॉइट्स बिकम ह्यूमन। तो टुडेज वीडियो इज अबाउट डेट्रॉइट्स बिकम ह्यूमन, कैसे क्रैश, मतलब क्रैश होने से कैसे बचाऊँ। रियलिटी में तो मतलब जब भी स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ही होता, ये एक रियलिटी दूसरी है। और दूसरी रियलिटी ये है कि स्टार्ट होता है तो वो सिर्फ लोडिंग पेज पे गोल गोल घूमता रहता है और कुछ नहीं होता। तो इसका मैं पूरा लाया हूँ कि भाई यार कैसे ठीक कर सकते हैं। उल्ट आफ्टर दो महीने, भाई दो महीने से मैं देख रहा हूँ उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे फ्रेंड ने ये गेम मेरे को दिया था, उसने डाउनलोड करके रखा हुआ था और बेचारे को चल नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, सोचा मैं, उसने मेरे को दे दिया, सोचा कि भाई यार मैं थोड़ा हेल्प कर दूँ इसमें, पर मैं भी उसको कुछ हेल्प नहीं कर पाया। दो महीने तक मैं बैठा रहा हूँ। आज क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार एक बार देख लेते हैं, क्या पता ठीक कर लूँ। मैंने बहुत हज़ारों यूट्यूब वीडियोज़ देखी इसके ऊपर कि भैया कुछ तो किसी ने तो दिमाग लाया होगा, पर एक भी बंदे ने भी ठीक से वीडियो बनाया नहीं अब तक। मैं इसलिए मैंने सोचा फिर यार एक बना ही देता हूँ, एक वीडियो उस पर बना देता हूँ। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या करना है आपको, जिससे ये लोडिंग पेज पे है ना स्टक ना हो और आपका गेम चल जाए, जैसे अभी गेम प्ले आप देख रहे हो वैसे। तो मैं क्या पहले थोड़ी देर खेलने लग गया, मैं सोचा वीडियो बनाऊँ या ये बनाऊँ, मैं गेम में थोड़ा स्टक हो गया। तो पहला वाला सीन था एक स्टार्टिंग सीन, वो कंप्लीट कर लिया, फिर ये बाकी का सीन चल रहा है। तो फिर चलो फिर शुरू करते हैं, फिर कैसे क्या करना है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको पहले एक बार अपना जो अगर आपका एनवीडिया का जीफोर्स है तो उसको प्लीज़ ड्राइवर्स को अपडेट कर लीजिए। मैंने पहला काम ही यही किया था, एनवीडिया ड्राइवर्स पे गया, जीफोर्स ड्राइवर्स पे जाके चेक को अपडेट्स करना है आपको, और फिर मेरा अपडेटेड है, मैंने कल ही अपडेट किया था। तो ये हो गया है अपडेटेड, इसलिए ये चल गया। और आगे दिखाता हूँ मैं और क्या करना है। और क्रोम के आने, क्रोम पे आना है आपको, फिटगल रिपैक पे जाना है। फिटगल रिपैक पे जाने के बाद आपको डेट्रॉइट एक बार लिख दीजिए, डेट्रॉइट डी टी, चल डी टी काफ़ी है, ये डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन पहला जो पेज आ रहा है इस पर क्लिक करना है आपको, और नीचे जाना है और इस 78 MB का या 72 MB जो भी है इसको zippy फाइल से मैंने डाउनलोड किया, तो आप भी कर लीजिए इससे डाउनलोड, किसी भी डाउनलोड करो, पर डाउनलोड करना है। मेरा डाउनलोड फाइल ये रहा, मैं दिखाता हूँ, इधर है, सॉरी इसके अंदर है, ये रहा, ये है वो डाउनलोड RAR फाइल। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये दो चीज़ें आती हैं, ये दो, इसको क्या करना है आपको मेन फाइल्स इसके अंदर कॉपी कर देना है, पेस्ट मतलब, और फिर रिप्लेस कर देना है, और फिर आपको कुछ नहीं। एक और बात, इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि वेरीफाई करना है, इंस्टॉलेशन पहले ज़रूरी है वेरीफाई करना 100%, और उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसको कट कर देता हूँ मैंने, और फिर आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है गेम के, कंपेबिलिटी को एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको जानते ही है सारे फिटगल रिपैक जिन्होंने डाउनलोड किए हैं उनको तो यह पहला प्रोसेस ही यही है हर गेम का, एडमिनिस्ट्रेटिव करना है उसको। और आपको ओपन फाइल लोकेशन में दिखा रहा हूँ, पहले इसके इस लोकेशन को आपको देख लेना है, इसको सेव कर लेना। मतलब क्या करना है आपको मैं बताता हूँ, ये है वो लोकेशन, आपको ये विंडो सिक्योरिटी वाले में ऑप्शन में जाना है आपको, विंडो सिक्योरिटी में वायरस थेफ्ट वाले में, और मैनेज सेटिंग्स नीचे एक्सक्लूशन का ऑप्शन आ जाता है, एक्सक्लूशन में जाके आपको इसको ऐड कर देना। मैंने पहले से फोल्डर ऐड कर रखा है, आपको जैसे मैंने लोकेशन दिखाया उसी लोकेशन को करना है आपको इधर ऐड, और ऐड करने के बाद फिर आपका पूरा काम हो जाएगा कंप्लीट। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप इंस्टॉल करोगे गेम, इंस्टॉल जब भी करोगे आप, वो जो भी ऑप्शन में क्लिक कर रहा है रेड बटन, एक तो आपको रैम लिमिटर को क्लिक कर देना है इंस्टॉल करते वक्त, और दूसरा आपको जब आगे जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, हर चीज़ को टिक ही रहने दीजिए। नीचे जब पर नीचे जाओ डायरेक्टेक्स और जो भी माइक्रोसॉफ्ट का रे डिस्ट्रीब्यूशन 2019-15 कुछ भी आपका अगर अपडेटेड है तो उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उन तीनों को अनटिक कर दीजिए और फिर इंस्टॉल कीजिए। और प्लीज़ गेम इंस्टॉल करने के बाद थोड़ी देर वेट कीजिए, और जब भी लोड आता है कुछ ज़्यादा ही मतलब क्लिक क्लिक बंद करना, क्योंकि रैम वैसे यूज़ कर रहा है, और बैकग्राउंड प्रोसेस को बंद कर दीजिए, सिर्फ गेम चलना चाहिए। बस इतना ही था वीडियो, और आप सिर्फ गेम स्टार्ट कीजिए। अगर कुछ भी दिक्कत तब भी होती है, आगे भी होती है, तो प्लीज़ मेरे को वीडियो में बताएं, कमेंट में बताएं, मैं आपकी उसी टाइम पे हेल्प करूँगा। ज़्यादा ज़्यादा एक दिन भी ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं कमेंट में उसी टाइम रिप्लाई कर दूँगा। तो चलते हैं फिर अगले वीडियो आने तक, मिलते हैं, बाय। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I